ये लगभग छवां ना सातवां दिन है, आठ कल एक दिन और मैंने आपको एक्सटेंड किया है वार के लिए। अब मैं चाहता हूँ आप मुझे बताओगे आपको वर्कशॉप कैसी लगी। अगर अच्छी लगी स्टार देंगे आप, मार तो घर पे देंगे, यहाँ भी दे दो। तो मुझे बताओ आपको कितना कैसी लगी हमारी वर्कशॉप। सर क्योंकि जो मैंने ग्रेजुएशन की थी ना नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स में की थी, पर जब मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आई मैंने जीएस पढ़ी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मतलब मुझे रिग्रेट होने लगा कि मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स क्यों नहीं लिए, मैंने नॉन मेडिकल में क्यों मतलब ग्रेजुएट अब हुई मैं, और इतनी बड़ी मेरे को लग रहा है मैंने गलती कर दी। पर आप जिस तरीके से पढ़ाते हो, आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो मतलब बिल्कुल न्यू है। मैंने खाली मेरे में हो रही हो? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, गाली नहीं नहीं सर बिल्कुल भी नहीं सर, बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। अच्छा आपको कितना याद हुआ है? सर फिलहाल पहले मार्च में भी पढ़ी थी ना, तब थोड़ा सा याद हुआ था, अब जब से वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ उसका भी बहुत, जिस तरीके से आप रिवाइज करवाते हो, रोज़ नई चीज़ें बताते हो, पुरानी पूछते हो, उसका सर बहुत इफेक्ट होता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब आप बताओगे कि आपको हमारी वर्कशॉप कैसी लगी और आपने क्या क्या सीखा है, और जो नई वर्कशॉप होगी उसमें आप अगर आना चाहते हो तो कितने स्टार दोगे? सर मैं ये कहूँगा कि वर्कशॉप जो आज आठवां दिन है इसका, ये बहुत ही अच्छी रही, हमने बहुत कुछ सीखा। और मैं ये कहूँगा, एक कहावत है कि एक मछली वाले के पास जाओ तो उसे कहो कि मछली दे दो, अगर वो मछली एक मछली देगा तो एक दिन का खाना देगा, तो अगर वो मछली पकड़ना सिखा देगा तो पूरी उम्र के लिए वो खाना होगा। ऐसे ही आपने पढ़ाया तो है लेकिन पढ़ने का तरीका बताया कि पढ़ना कैसे, याद कैसे रखना, याद करने का तरीका बताया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने तो ज़बरदस्त, आपने तो मुझे भी एक नई चीज़ सिखाई। और कोई रिव्यू? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो हम मतलब कि सात दिन का वर्कशॉप था और सात दिन में हम इतना कुछ सीख चुके हैं जो हम कभी 30 दिन में भी नहीं सीख सकते थे, और सर ने बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्री कोर्स में इतना ज़बरदस्त पढ़ाया सर ने, ये कोई मतलब पैसे लेकर भी इतना ज़बरदस्त नहीं पढ़ा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर फूल तो बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसा नहीं, टीचर तो बहुत देखे पर आपका जैसा नहीं, थैंक यू सर। सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ थी वो आपका वे ऑफ मतलब वे ऑफ टीचिंग है जो वो यूनिक है। मैं अगर अपना बोलूँ, मुझे सेकंड फेवरेट टीचर आप ही हो आज तक, फर्स्ट का अगर मैं बोलूँ तो डॉक्टर शेख तनवीर इस्लाम है जो मेरे जालोजी के प्रोफेसर थे। और सबसे यूनिक तरीका आप वो नई चीज़ जो हमें सीखनी होती है वो सिखा देते हो, जैसे कि मेडिकल वाले बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट देते हो और नॉन मेडिकल वाले को मेडिकल में देते हो इंटरेस्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे वो हमें लगेगा ये हमें यही होना चाहिए था। कि आपको वर्कशॉप कैसी लगी है, और जो हम नेक्स्ट वर्कशॉप कराएंगे मैथ्स वाली, ये बताना है कि उसमें क्या क्या रखे ताकि आपको जो अच्छा लगे, और ये वाली वर्कशॉप कैसी लगी है? सर ये वाली वर्कशॉप बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, सर आप बहुत ही अच्छे हैं, आपकी नेचर, आपका सब कुछ है और बहुत ही अच्छे हो, जैसे आप करवाते हो हम बच्चों को, और जिस बच्चे इतने बच्चे सीख रहे हैं, पहले भी आपसे सीखी हैं और अब भी सीख रही हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दुआ ही दूँ कि आप और भी अच्छा करवाओ और आगे बढ़ो। और बस आपको मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि ज़ीरो कैसे आया है, कैसे एक शफड़ ने बकरियाँ चराने वाले बंदे ने ज़ीरो का कंसेप्ट दे दिया, कैसे नंबर आई, गिनती कैसे वजूद में आई, फिर 1, 2, 3, 4, 9 कैसे आया, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फिर नंबरों के बीच में रिलेशन, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो रेलवे, बैंकिंग, JKSSB, SSC सभी के लिए ज़रूरी है। तो मैथ की वर्कशॉप तो अटेंड करना ही करना।